तो अभी चलते हैं हम BTS की तरफ। मैंने अभी तक आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर किया। हादिया का ड्रेस किस डिज़ाइनर का है, हादिया मेकअप कौन सा कर रही है, कौन इसके मेकअप आर्टिस्ट है, वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। इसके अलावा हाँ, जो मेकअप आर्टिस्ट हैं उनका मैं लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, उनका इंस्टाग्राम अकाउंट। इसके अलावा अभी स्टार्ट होने वाला है हादिया के सॉन्ग का शूट, उसका जो है BTS वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ओरिजिनल जो सॉन्ग होगा उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो ओरिजिनल देखना होगा तो आप उसको क्लिक कीजिएगा और आप वहां पहुंच जाएंगे। तो अभी चलते हैं हम BTS की तरफ। इतने सीरियस। अच्छा तो गाइस, मैंने आप लोगों को हादिया की शूटिंग भी दिखाई है और अभी अलग अलग शूट्स होंगे। मैं किसार भाई का अलग होगा, हादिया का अलग होगा, तो अभी मैं आपको हादिया का अलग वाला जो सेपरेट वाला जो शूट होगा ना वो दिखाती हूँ कि वो किस तरह से रिकॉर्ड हो रहा है अंदर। और आप इंजॉय करें साथ साथ, और मेरे साथ कनेक्ट रहेंगे तो आपको साथ साथ और भी अपडेट्स मिलती हैं। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है इस सब में, तो आहिस्ता मैं इसलिए बोल रही हूँ कि इतना शोर है यहाँ पर, पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही है इधर या नहीं आ रही। आप लोगों के साथ शेयर किया है कि किस तरह से सॉन्ग को रिकॉर्ड किया जाता है, कितनी मेहनत होती है उसके पीछे, कितने लोग हैं यहाँ पर एक सॉन्ग को रिकॉर्ड करने में। वैसे तो ये बहुत बड़ा सीज़न है जिसमें ऑलमोस्ट 9 से 10 सॉन्ग्स होंगे, मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन इतने तो होंगे इसमें। और एक सॉन्ग को करने में कितना ज़्यादा टाइम लगता है ये आप लोगों ने भी देखा। अभी ये सिर्फ सॉन्ग हो रहा है रिकॉर्ड, अभी इसका प्रोमो रिकॉर्ड होना है और अभी 10:15 हो चुके हैं और अभी स्टिल सॉन्ग का शूट जो है पहले कंबाइन हुआ, उसके बाद अब सेपरेट सेपरेट उसके जो है शूट्स लिए जा रहे हैं, जैसे कि स्टार भाई के अलग और हादिया के अलग, और वो भी मैंने आपको दिखाया कि किस तरह सेपरेटली किस तरह लिए जाते हैं। आई होप कि आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा कि किस तरह से शूटिंग होती है। आप लोगों ने सॉन्ग तो सुन ही लिया होगा कि कितना ज़बरदस्त तरीके से बना हुआ है, इसकी कंपोजिशन कितनी अच्छी है, इसके जो लिरिक्स लिखे गए हैं वो कितने अच्छे हैं। और एक और छोटी सी आपको बात बताऊँ कि जब ये सॉन्ग रिकॉर्ड हुआ था ना, ये हादिया ने एक दिन में एक ही टेक में किया था, और उसकी वजह ये थी कि जो हादिया को कंपोजर मिले उन्होंने बहुत अच्छे से गाइड किया इसको, होता ना समटाइम
और मैंने आपको बताया था ना कि सॉन्ग की रिकॉर्डिंग हो जाएगी, उसके बाद प्रोमो के लिए जाना, तो बस हम जा रहे हैं। तो फाइनली गाइस हमारा शूट खत्म हो गया है, सॉन्ग का भी हो गया और प्रोमो भी हो गया हमारा। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, असली हृदय में आएंगे। हम सुबह से उठे हुए, इतनी नींद आ रही है ना, मैं आपको बताने से बस अब ये देखे रहे यहाँ से सामान सारा बड़ा। तो गाइज आज का शूट आई होप आप सबको बहुत पसंद आया होगा। हम लोगों की हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, और आपने देखा कि किस तरह से सॉन्ग रिकॉर्ड होता है, कितनी मेहनत होती है, कितने लोग मिलके एक गाने को कर रहे होते हैं डायरेक्ट। और बस इतना कहना चाहूँगी कि आप सिंगर्स हैं, पाकिस्तान के जो सिंगर्स हैं उनको अप्रिशिएट किया करें, और जो अच्छा कंटेंट बनाते हैं उनको अप्रिशिएट किया करें। किसी की नेगेटिव साइड को आपने कभी भी उसके करेक्टर पर लेके उसको बुरा भला नहीं कहना। एक छोटा सा मैसेज था जो मैं शेयर करना चाह रही थी कि चाहे वो टिकटॉकर्स हैं, चाहे वो क्रिंज यूट्यूबर्स हैं जिनको कहा जा रहा है कि भाई ये कॉन्टेंट अच्छा नहीं बनाते, ये ऐसे हैं वैसे, तो लिटरली मेरा व्लॉग कोई थर्ड या फोर्थ होगा, ये बहुत मुश्किल है ये सब चीज़ें बनाना। तो लाइक किया करें लोगों को, चाहे वो क्रिंज बना रहे चाहे जैसा मर्जी कंटेंट बना रहे, उनको अप्रिशिएट करें क्योंकि हर चीज़ में बहुत मेहनत लगती है। और बाकी जहाँ तक सॉन्ग की बात है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो जैसे ही रिलीज़ होगा तो आप लोगों को भी पसंद आएगा। आई होप कि आप सबको भी बहुत ज़्यादा पसंद आए। अभी मुझे व्लॉग का एंड करना था, बस मैं चाह रही थी कि मैं आप लोगों को अलविदा अच्छे से कहूँ, और ये बिल्कुल एंड वाला शूट है। मैं वापस जा रही हूँ अपने होटल में, और मेरी कल की फ़्लाइट तकरीबन 3-4 बजे, तो बस अब जाके एक मीटिंग है वो उसको अटेंड करना है, उसके बाद मैं फ्री हूँ। सो ये देखें अभी रात हो चुकी है, बिल्कुल रात है अभी। ये मुझे पता है ये अंकल किस जगह पे हैं? कयूमाबाद कराची में हूँ अभी। तो अभी हमने जाना है, किस जगह पे जाना है अभी हमने? होटल पे अभी हमने जाना है फेसेट, अपने होटल में वापस। तो हाथिया की हालत तो आप देख ही रहे हैं, वो बेचारी सुबह से लगी हुई थी और रात हो गई है। सिर्फ इसकी मेहनत नहीं, मैं कहूँगी सबकी मेहनत थी, लेकिन उन सब में सबसे छोटी यही थी। तो इसने भी बहुत अपना रोल प्ले किया और बहुत अच्छे से एफर्ट की। सो हाथिया को भी आगे आप शेयर करें, इसके सॉन्ग्स को प्रमोट करें और अपने दुआओं में याद रखें। तो हाथियों को मैसेज देना, खुश रहें, खैरियत से रहें, और जो बाजी की लाइन है वो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।